दुर्जन सिंह सीडर, क्या मामला है? बाड़मेर शहर में आए दिन बलात्कार, झगड़े, चोरी, चौथ वसूली, ठेकों पर तानाशाही, ठेकों का ज़्यादा पैसा लेना, शराब माफिया, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई गुंडा राज हो। यहाँ पे किसी तरह की कानून व्यवस्था रात को 9 बजे के बाद में नज़र नहीं आती। इसके लिए हम पूरे बाड़मेर शहरवासी यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास में इकट्ठे हुए हैं, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अभी हाल ही में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। उसमें ऐसा लगता है कि पुलिस की साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक है। अगर ये कार्यवाही नहीं होती है समय रहते तो अगला कदम क्या रहेगा? जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, सब कुछ कर सकती है, सब जनता के हाथ में है। अल्टीमेटम दिया है आपने, थाने का घेराव किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जहां तक जाना पड़ा जाएंगे और न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। हमें न्याय चाहिए। मेरा नाम परवीन सिंह आगोर है। आज जो मामला है, एक ईश्वर सिंह कपूरडी गांव का है, जो विदौन जी गोदी में रहते हैं। वो रात को NH 15 से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो एक ठेका है दारू का, वहाँ रात को सड़क साहब लोग खड़े थे, उन्होंने उनको रोक कर उनके साथ मारपीट की। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने 4-5 दिन हुए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है और लगता है वो पैसे खा के बिक गए हैं। हमें प्रशासन से ये मांग की है कि उसकी सही तरीके से जांच की जाए और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई न होने का कारण तो सिर्फ एक ही है और वो कारण है कि पुलिस वाले आज खुद का काम नहीं कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है। और हमारे गुरुजी ने तो हम सबको कांग्रेस ज्वाइन कराई थी कि हमारा स्वर्ण युग आएगा, लेकिन अब हमारा कलयुग आया लगता है ऐसा।